हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का mahindragru.com के इस वीकली करंट अफेयर्स शो में। और आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स का। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ, और पहली न्यूज है दोस्तों ये, अंडर 12 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में दिव्या देशमुख ने गोल्ड मेडल जीता। इंपॉर्टेंट इज दैट कि यहाँ पर दिव्या देशमुख 11 साल की है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज और निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो वर्ल्ड 12 जो कैडेट चेस चैंपियनशिप हुई उसके वेन्यू की बात की जाएगी, उस रिलेटेड स्टडी फैक्ट की बात करते हैं। तो वेन्यू इज दी पोकोस दे कल्डास ब्राजील। ब्राजील हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इज स्टैटिक कैपिटल इज दी ब्राजीलिया, करेंसी इज रियल एंड द प्रेजिडेंट इज माइकल टैमर। तो आपके एग्जाम के लिए एक न्यूज और न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। देखिए आपको करना क्या है, न्यूज तो आपको करंट अफेयर पोर्शन के लिए लिख के चलना है, और स्टैटिक को भी पैरेलल यहीं से लर्न करके चलना है। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम टाइम में जब आप जाते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो आप 2 और 3 डेज पहले से स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पढ़ना, और जो आपके स्केड्यूल को बहुत ज्यादा हैप्टिक कर देता है और हैम्पर करता है। इसलिए मेरी एक एडवाइस रहेगी, तो कोशिश करिए न्यूज को हमें कैसे लर्न करना है और न्यूज के साथ स्टैटिक पोर्शन को कैसे लर्न करना है। तो यहां पर बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, तो व्हाट इज द नेम ऑफ 11 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर हु हैज बैग्ड द गोल्ड मेडल इन दी अंडर 12 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियन। द आंसर इज दी दिव्या देशमुख। आई होप आपके पर्टिकुलर न्यूज क्लियर होगी कि आपको याद क्या करना है। तो आपको वन लाइनर याद रखना है, अंडर 12 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, और दूसरा आपको यहां पर याद रखना है कि ब्राजील से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट, चाहे कैपिटल के रूप में, चाहे करेंसी के रूप में, या दोस्तों कह सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अहमदाबाद हैज गॉट इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट। यहां पर बात करेंगे तो यूनेस्को ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में अहमदाबाद को, बट सर्टिफिकेट अब दिया है। तो यहां पर बात करते हैं कि चीज को क्लियर करते हैं, और स्टैटिक फैक्ट की बात करेंगे तो यूनेस्को का नाम निकल कर आता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पहले देखते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपके एग्जाम के लिए यूनाइटेड नेशन की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बनेगी। यहां पर फाउंडेशन ईयर की बात करते हैं, 16 नवंबर 1945 इसका फाउंडेशन ईयर था, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, डायरेक्टर जनरल इरिना वोकोवा। अगर यहां प्रायोरिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म, सेकंड पॉइंट यहां पर एज ए स्टैटिक बात हो रही है, डायरेक्टर जनरल की बात होगी यूनेस्को के, और यहां हेडक्वार्टर की बात होगी। दोस्तों उसका हेडक्वार्टर क्या है, क्योंकि एग्जाम में कंसिस्टेंट तौर पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज आपके लिए करंट अफेयर का पार्ट बनती है, और ये वाला पार्ट जो बनता है वो स्टैटिक का पार्ट बनता है। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, यहां पर पूछा गया डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, तो आपको एग्जाम में हर तरीके से न्यूज को कवर करके चलना था। आंसर इज दी इरिना वोकोवा। नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे, फॉर्मर मुंबई एंड कर्नाटका रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर शरद राव हैज पास्ड अवे। शरद राव का देहांत हो गया, वो रणजी क्रिकेट खेलते थे दोस्तों, रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे। तो आपके एग्जाम के लिए यहां से 2 या 3 न्यूज बनेंगी, और वो कैसे बनेंगी वो मैं आपको समझाता हूं। शरद राव किस खेल से रिलेटेड है, तो दोस्तों यहां पर है क्रिकेटर, या दूसरा किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो आपको याद रखना है स्पोर्ट्स। तीसरी बात करते हैं यहां पर रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो वो हो गया दोस्तों क्रिकेट। तो मतलब एक एक क्वेश्चन को आपको लिंक करके यहां पर चलना है। और यहां दो स्टेट की बात हुई, तो दो स्टेट के स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं, स्टैटिक फैक्ट दोनों के देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल इज दी मुंबई, सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर इज दी सी विद्यासागर राव, या इन बोल सकते हैं हम कि चिन्नामनेनी विद्यासागर राव। यहां बात करें कर्नाटका की, तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल बनती है, चीफ मिनिस्टर इज दी सिद्धारमैया एंड गवर्नर इज दी वाजुभाई रुदाबाई वाला, इन शॉर्ट यू कैन से दैट वी आर वाला। आई होप आपको यहां चीजें क्लियर हो रही होगी। सर हमारे एग्जाम में तो सिर्फ इतना आएगा, शरद राव का ये पूछा जाएगा किस खेल से रिलेटेड है। दोस्तों बिल्कुल सही, आपका सोचना भी सही है कि सिर्फ इतना पूछेगा शरद राव किस खेल से रिलेटेड है, बट मेरा कॉन्सेप्ट कहने का ये है कि इसके थ्रू, इस शरद राव के थ्रू आप क्यों ना दो स्टैटिक पोर्शन को भी लर्न कर लें। एग्जाम टाइम में जब जाएंगे तब ज्यादा दिक्कत रहेगी, एक दिन में अगर बात करो तो इतना सारा आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए चीजों को इंटरलिंक करके लर्न करने की। बात करें क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो फॉर्मर मुंबई इन कर्नाटक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर का देहांत हुआ, उनका नाम क्या था, आंसर इज दी शरद राव। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, साब हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अडानी ग्रुप टू मैन्युफैक्चर फाइटर एयरक्राफ्ट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, तो यूं कह सकते हैं मेक इन इंडिया में दोस्तों इसे एड ऑन किया जाएगा। अडानी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है साब का, जो कि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा। ग्रिपिन ई सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनका डेवलपमेंट इंडिया में किया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर एडिशनल फैक्ट की, तो एडिशनल फैक्ट के लिए यहां पर आपको नाम याद रखना है कौन सा एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण होगा, जिसका प्रोडक्शन होगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। द आंसर इज ग्रिपन ई। दो चीजें यहां पर क्लियर करनी है हमें, साब क्या है दोस्तों, अडानी ग्रुप क्या है। तो साब की बात करते हैं, तो साब इज अ
स्टॉक हम बात करेंगे यूके सॉरी स्वीडन बेस्ड एक फॉर्म है दोस्तों, जो कि काम करती है मैन्युफैक्चरिंग में, एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं या आर्म्स रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन होता है साप के यहाँ पर होता है। तो एक चीज यहां पर क्लियर करने वाले, साप की फुल फॉर्म सेवेंस्का एरोप्लेन एक्टिव बोला है, इसकी फुल फॉर्म बनती है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये चीज। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि साप का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, अडानी ग्रुप का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है और किस चीज के लिए हुआ है, पर्पस क्या है, तो ग्रिपिन ई के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोस्तों हुआ है। बट ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजों को देखते हैं। साप की फाउंडेशन ईयर 1987, सीईओ हक्कन बुश के, हेडक्वार्टर स्टॉकहोल्म स्वीडन। यहां पर बात करते हैं अडानी ग्रुप की दोस्तों, तो फाउंडेड हुआ 1988 में, चेयरमैन है गौतम अडानी, फाउंडर भी यही है, हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद है। तो आई होप आपके पर्टिकुलर न्यूज को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें लर्न करना है, किस चीज पर फोकस ज्यादा करना है और किस चीज पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हमें स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। तो साब है साइंड एन एग्रीमेंट विद, किसके साथ एग्रीमेंट साब ने किया है, आंसर इज द अडानी ग्रुप। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि हाँ भाई मेरे साथ के साथ ये चीज क्लियर हो रही है कि साब अगर कोई न्यूज में पढ़ रहा हूं तो उसका क्वेश्चन कैसे एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, अनीता करवाल हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई की नए चेयरपर्सन के पद के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो अनीता करवाल का नाम निकल कर आता है और एग्जाम में आपके अपॉइंटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सीबीएसई की चेयरपर्सन कौन बनी, आंसर इज अनीता करवाल। एग्जाम के लिए बात करते हैं, आपके लिए एडिशनल फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहां दोस्तों कहूंगा कि इस वर्ड को याद रखिएगा कि रिप्लेसमेंट किसका, क्योंकि एग्जाम में रिप्लेसमेंट पूछा जाता है कि जिनका अपॉइंटमेंट हुआ उनसे पहले उस पदवी पर कौन थे। तो यहां पर आपको याद रखना राजेश कुमार चतुर्वेदी। सीबीएसई की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुआ 3 नवंबर 1962 को, हेडक्वार्टर इज द न्यू दिल्ली इंडिया। तो बात करें यहां पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, द आंसर इज द अनीता करवा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल हैज बीन बिल्ट इन जर्मनी सिटी ड्यूसबर्ग। दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यह बोल सकते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैसल, रेत का किला बनाया गया जर्मनी की ड्यूसबर्ग सिटी में। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं, इसकी जो हाइट रही थी 16.68 मीटर टॉल रहा था और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो वर्ल्ड पीस मॉन्यूमेंट जो बनाया गया सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा भारत में दोस्तों पूरी बीच में उड़ीसा में, जिसकी हाइट थी 14.84 मीटर टॉल था। तो अब उसको ब्रीच करके ये बन गया है वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल का रिकॉर्ड, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम चला गया वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल को, जो कि जर्मन की सिटी ड्यूसबर्ग में बनाया गया है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों इन विच सिटी द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल हैज बीन बिल्ड, द आंसर इज द ड्यूसबर्ग। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, मर्सिडीज ब्रिटिश फॉर्मूला वन ड्राइवर लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2017। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2017 का खिताब दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। तो बात करें ये बैक टू बैक लुइस हैमिल्टन न्यूज में बने हुए हैं, ये उनका छठवां इस सीजन का दोस्तों खिताब है। तो यहां पर एक चीज क्लियर करने वाली है, लुइस हैमिल्टन का नाम इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ब्रिटिश ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस टीम से खेलते हैं, मर्सिडीज से खेलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एडिशनल फैक्ट की, तो दोस्तों जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2017 रहा उसका वेन्यू रहा था मोंजा इटली में। अब एग्जाम में यहां पर इटली रिलेटेड देने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इससे रिलेटेड आप स्टैटिक फैक्ट याद रख सकें। इटली की कैपिटल इज द रोम, करेंसी इज द यूरो और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं पाओलो जेंटिलोनी। अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं पर्टिकुलर न्यूज पे आते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर रहे लुइस हैमिल्टन, सेकेंड पोजीशन पर रहे वॉल्टरी वोल्टास और थर्ड पोजीशन पर रहे सेबेस्टियन बेटल। तो आपके एग्जाम में फर्स्ट थ्री पूछे जा सकते हैं, तो आपको फर्स्ट थ्री याद रखने हैं कि पर्टिकुलर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता किसने, लुइस हैमिल्टन है, सेकंड रनर अप कौन रहे थे और थर्ड पर किसका नाम आता है। ये मैंने आप सभी बोला इनका ये सिक्स टाइटल है, तो इससे पुराने बात करें 5 टाइटल वो जीत चुके हैं सीजन के, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं दोस्तों, स्पेनिश भी, कैनेडियन, ब्रिटिश एंड दी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स भी वो जीत चुके हैं। यहां पर बात करते हैं इस रिलेटेड न्यूज कैसे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, हु हैज वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2017, द आंसर इज द लुइस हैमिल्टन। आपको यहां पर एडिशनल ये चीजें भी याद रखनी है कि किस कंट्री से हैं और दोस्तों किस टीम से खेलते हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं टीम भी इंपॉर्टेंट बनता है। पर्टिकुलर यू भी पूछा जाता है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2017 जीतने वाले लुइस हैमिल्टन किस टीम से खेलते हैं, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों मर्सिडीज। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैज बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड टू इफेक्ट 100 स्टंपिंग्स इन द वनडे इंटरनेशनल। देखिए बात करें यहां पर जो बात हो रही है वो आपको याद रखना है, ओडीआई क्रिकेट की बात हो रही है, वनडे इंटरनेशनल 50-50 ओवर वाले मैचेस की बात हो रही है, जिसमें धोनी बन गए हैं दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले विकेट कीपर, जिन्होंने 100 स्टंपिंग्स की हैं
विकेट के पीछे खड़े होकर बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाई हैं। तो दोस्तों यूं कह सकते हैं कि 100 स्टंपिंग करने का विश्व रिकॉर्ड अब किसके नाम है, यहां महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम है। इससे पहले श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन कुमार संगकारा के नाम था ये रिकॉर्ड, उन्होंने 99 स्टंपिंग्स दोस्तों की थी वनडे इंटरनेशनल में, उनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है महेंद्र सिंह धोनी जी ने। यहां पर एक चीज और क्लियर करेंगे, संगकारा की बात हुई, श्रीलंका के हैं दोस्तों, श्रीलंका के स्टैटिक फैक्ट फिर पैरेलल यहां से लिंक किया जाएगा और उनको समझते हैं। श्रीलंका की कैपिटल इज दी जयवर्धने पुरे कोटे, करेंसी इज रुपी, प्रेसिडेंट इज दी मैत्रीपाला सिरिसेना और प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो हु हैज बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड टू इफेक्ट 100 स्टंपिंग्स इन दी वनडे इंटरनेशनल, द आंसर इज दी महेंद्र सिंह धोनी, इन शॉर्ट यू कैन से MS धोनी। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, पुलित्जर प्राइज विनिंग पोएट जॉन एसबरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यहां पर अब देखिए ऑबिचरी की बात हो रही है, अभी शरद राव की ऑबिचरी देखी थी, डायरेक्ट पूछा जाता है जिस व्यक्ति का नाम जिनका देहांत हुआ या दूसरा वह किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, तो हमें याद रखना ही वॉज दी पोएट। यहां पर एक और चीज हमारे लिए एड ऑन करने वाली है कि वो पुलित्जर प्राइज विनिंग पॉइंट है दोस्तों। पुलित्जर प्राइज की बात करते तो पुलित्जर प्राइज किन किन फील्ड में दिया जाता है वो चीजें डिटेल में यहां पर समझते हैं। और मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि कैटेगरीज को याद रखिए, किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आता। बट एक चीज और यहां पर समझने वाली है कि आपको नाम याद रखना है जॉन एसबरी का पॉइंट के रूप में, और उनको कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था, पुलित्जर प्राइज अवार्ड से नवाजा जा चुका था दोस्तों। तो पुलित्जर प्राइज की बात करें, एस्टैब्लिश्ड हुआ है, इंस्टीट्यूटेड हुआ था 1917 में, कैश अवार्ड मिलता है $15,000, प्रेजेंटेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और दोस्तों कैटेगरी बात करते हैं तो मैंने वही बोला आपको याद रखनी, 21 कैटेगरीज में पर्टिकुलर पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। अब बात करें न्यूज कैसे फ्रेम हो सकती है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है दोस्तों, तो व्हाट इज द नेम ऑफ पुलित्जर प्राइज विनिंग पोएट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, द आंसर इज जॉन एशबरी। या दूसरे शब्दों में पूछ सकते हैं कि जॉन एशबरी का भी देहांत हुआ था, वह किस फील्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों, क्या प्रोफेशन के, तो वो आपको याद रखना वो एक पॉइंट है। तो यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, 12th एडिशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज एंड बिगिन एट नेपाल। अब देखिए यहां पर एक चीज, यहां नाम मेंशन नहीं किया, अभी मैं नेम मेंशन नहीं किया, वो चीज भी बताऊंगा आपको कौन सी एक्सरसाइज है, बट आपको याद कैसे रखना है। देखिए यहां एक याद रखने वाला फर्स्ट वर्ड की वर्ड है मिलिट्री एक्सरसाइज, दो कंट्रीज के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड हो रही है दोस्तों, ऑर्गेनाइज हो रही है। तो यहां पर बात करते हैं वो दो कंट्रीज कौन कौन सी है, नेपाल एंड इंडिया। कौन सा एडिशन हो रहा है, 12th एडिशन हो रहा है, उसका वेन्यू क्या है, नेपाल है। तो आपके एग्जाम में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम क्या है, द आंसर इज सूर्य किरण एक्सरसाइज है, जो इंडिया नेपाल के बीच में दोस्तों नेपाल में आयोजित हुई थी, जिसका एडिशन था 12th और पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी मिलिट्री एक्सरसाइज। अब एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम के लिए हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको वन लाइनर याद रखना है, नेपाल इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसका 12th एडिशन जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है कहां पर हुआ था, नेपाल हुआ, या दूसरे शब्दों में पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम भी आपको याद रखना है। वेन्यू की बात करें तो नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलजांदी नेपाल इसका वेन्यू रहा था। यहां पर बात करें इंडिया के आर्मी चीफ की और नेपाल के आर्मी चीफ की, तो इंडियन आर्मी चीफ इज द विपिन रावत, नेपाल के आर्मी चीफ की बात करते हैं तो राजेंद्र चटर्जी। इंपॉर्टेंट इज दैट कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम क्या था, वो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड द नेपाल, द आंसर इज द सूर्य किरण। तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, 9th ब्रिक्स समिट हैज स्टार्टेड इन द जियामन चाइना, 9वां ब्रिक्स समिट जियामन चाइना में दोस्तों स्टार्ट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बात करते हैं, एक चीज क्लियर करने वाली है हमारे लिए, 9th ब्रिक्स समिट का समापन भी दोस्तों हो चुका है, और यहां पर बात करें तो इंडिया के रिप्रेजेंट किया था इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बात करते हैं ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव क्या थे, कौन थे, या इससे रिलेटेड बात करें कि ब्रिक्स समिट की थीम क्या रही इस साल की, या इससे पहले ब्रिक्स समिट कहां पर हुआ। तो एक एक करके सारे फैक्ट को देखते हैं, पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से अदर कंट्रीज से, तो ब्राजील के दोस्तों प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो मिशेल टेमर, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, चाइना जी जिनपिंग एंड साउथ अफ्रीका जैकॉब जुमा, इन सभी ने अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया था 9th ब्रिक्स समिट में, जो कि जियामिन चाइना में हुआ था। थीम की बात करते हैं, थीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। और 8th ब्रिक्स समिट जो रहा था वो दोस्तों इंडिया में रहा था, गोवा इंडिया। तो आपके एग्जाम के लिए यहां पर हर तरीके से न्यूज इंपॉर्टेंट है, चाहे इन कंट्रीज की बात करें या इन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें या पर्टिकुलर ब्रिक्स समिट की थीम की बात करें। तो यहां पर देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि 9th ब्रिक्स समिट का दोस्तों वेन्यू क्या है, तो आपको याद रखना है जियामिन चाइना। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, संजय कुमार झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री अकेडमी बेस्ड इन देहरादून।
इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि देहरादून में बेस्ड है दोस्तों, और वहां पर बात करते हैं एज अ कमांडेंट अपॉइंटमेंट हुआ है संजय कुमार झा का। अब आपके लिए एग्जाम में वन लाइनर याद रखना है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है दोस्तों, उसके कमांडेंट कौन बने, तो संजय कुमार झा। एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं, देहरादून हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, तो देहरादून की वजह से उत्तराखंड हमने यहाँ एज अ स्टैटिक चूज किया, और उत्तराखंड की बात करें कैपिटल दी देहरादून, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर इज दी के पॉल। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, उससे पहले यहां पर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी बेस्ड इन दी देहरादून, द आंसर इज संजय कुमार झा। देखिए रिपीटेशन होना लाजमी है, रिपीटेशन करना लाजमी है, कारण उसका आपको एक ही चीज हमें क्लियर करनी है। अगर एक न्यूज मैं बोलूं कि पैरेलल 3 से 4 बार अगर हमें पढ़ना है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार आप पढ़ेंगे एक न्यूज को, जितनी बार स्टैटिक फैक्ट पढ़ेंगे उतना जल्दी लर्न आपको होगा। तो चीजें क्लियर करते चलिए, एक फॉर्मेट समझिए, फॉर्मेट क्या, पर्टिकुलर न्यूज है उससे न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट लर्न करने हैं, और क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में तभी आप क्लियर कर सकते हैं जब आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, और जब पता होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं तो आपको ये भी क्लियर होगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर ये टाइप का बनेगा तो भाई ये वाले फैक्ट भी हमें लर्न करके चलने हैं। तो यहां देहरादून उत्तराखंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा एज अ स्टैटिक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, हेडिंग न्यूज की बात करते हैं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस हैज लोअर्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ 6.6% फ्रॉम 7.2%। मतलब इन्होंने कहा है कि 2017-18 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.2% जो उन्होंने पहले फोरकास्ट की थी और वो 6.6% इन्होंने कम कर दिया है। उसका कारण दोस्तों सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो रहा है वो डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, नोटबंदी रहा है, जिसके बाद से हमारी इकोनॉमी अब दोबारा से ट्रैक पर आ रही है, बट वो ग्रोथ रेट जो पहले फोरकास्ट की थी उसको अचीव करने में भी टाइम लगेगा। स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं तो यूबीएस इज द स्विट्जरलैंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका फाउंडेशन ईयर की बात करें, चेयरमैन की बात करते हैं, तो फाउंडेड हुआ था 1862 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड एंड चेयरमैन इज द एक्सेल ए बेवर। अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो पर्टिकुलर जो भी ग्रोथ फोरकास्ट करता है, पर्टिकुलर आपको याद रखना है जिसके द्वारा फोरकास्ट हो रही है उसका नाम, और कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट हुई है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहां पर बात करते हैं ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने कितनी ग्रोथ लोअर कर दिया, कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए, द आंसर इज 6.6%, या दूसरे शब्दों में पहले ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी 7.2%, उसे लोअर कर दिया, उसे कम कर दिया, 6.6% पे ले आए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, कौनसम उर्मिला देवी हैज बैग द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। वन लाइनर याद रखना है, कॉमनवेल्थ यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता, द आंसर इज कौनसम उर्मिला देवी। और यहां पर बात करते हैं इस रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट की, तो दोस्तों पहले तो याद रखना है कि इसका वेन्यू क्या था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का वेन्यू रहा था, और कौनसम उर्मिला देवी ने 44 kg वर्ग भार में, या बोल सकते 14 kg वेट कैटेगरी में यहां गोल्ड मेडल जीता है। क्यों ना एक चीज क्लियर की जाए कि सर ये जो वेट की बात हो रही क्या है दोस्तों, हर किसी अगर बात करते हैं तो जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है यहाँ वेट लिफ्टिंग का, तो अलग अलग वेट के पर्सन को कह लिया जाता है, 50 का वर्ग वाले को अलग रखा जाता है, 44 वाले को अलग रखा जाता है, तो उस वेट की बात हो रही है यहां पर जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो वेट ऑफ 44 kg वेट कैटेगरी। इंपॉर्टेंट यहां तक आपका करंट अफेयर बनता है, ये करंट अफेयर की न्यूज है दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे तो ये पोर्शन एज अ स्टैटिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाएगी, कैपिटल इज द कैनबरा, करेंसी इज द डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एमपीएम इज द मालकॉम टर्नबुल। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये न्यूज एज अ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट जो हमारा होता है ये हमारे स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नाम आया करंट अफेयर में, ऑस्ट्रेलिया बना रहा है तो स्टैटिक फैक्ट उसके पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो विच प्लेयर हैज बैग्ड द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, द आंसर इज कौनसम उर्मिला देवी, इन शॉर्ट यू कैन से दैट द कौनसम देवी। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, पीआर सेसिद्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट इज करूर व्यासा बैंक। करूर व्यासा बैंक के एमडी एंड सीईओ के पद पर पीआर सेसिद्री का अपॉइंटमेंट हुआ है। यहां पर आपको वन लाइनर याद रखना है, और अगेन एज अ स्टैटिक फैक्ट करूर व्यासा बैंक की बात की जाएगी दोस्तों, एक प्राइवेट बैंक है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट को जरा देखते हैं। फाउंडेशन की बात करते हैं 1916, हेडक्वार्टर इज करूर तमिलनाडु, चेयरमैन इज द वी एस वी स्वामीनाथन। आपके एग्जाम के लिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर और टैगलाइन बनती है, जिसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेट आपको एक टैगलाइन और एक दोस्तों हेडक्वार्टर बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहां पर बात करें तो कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर व्यासा बैंक, द आंसर इज द पीआर सेसिद्री। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं,
आरबीआई इज इंक्लूडेड एचडीएफसी बैंक इन द टू बिग टू फेल लेंडर्स लिस्ट। दोस्तों इस टॉपिक की बात करें या इस न्यूज की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी फ्रेम की थी आपके लिए। जैसे बात करें नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए पार्ट वन एनपीए पार्ट टू, उसके बाद हमने देखा था बेसिन नॉर्म्स की वीडियो डिस्कशन हुआ था आपका आपके साथ उस टॉपिक का। उसके बाद दोस्तों हमने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का भी डिस्कशन किया था। तो आपको इस सेशन को समझने के लिए वो 3 से 4 वीडियो देखेगा, आपकी बिल्कुल इकोनॉमी क्लियर हो जाएगी कि ये टू बिग टू फेल की बात हो क्या रही है, ऐसा है क्या। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ ऐसे बैंक जो देश में अपनी इकोनॉमी की बात करें इंडिया में बड़े बैंक का दर्जा रखते हैं, अगर वह दोस्तों डूब गए तो हमारी इकोनॉमी बोल सकते क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। तो इन बैंक्स को एडिशनल कैपिटल मेंटेन करके चलनी पड़ती है। उस एडिशनल कैपिटल के लिए बोला गया है, इनको दर्जा दिया गया टू बिग टू फेल का स्टेटस का दर्जा दिया गया है दोस्तों, कि अगर ये बैंक डूब गए तो दोस्तों इकोनॉमी भी बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिव चली जाएगी। तो इससे पहले 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसकी बात करें डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की बात हो रही है, इन शॉर्ट बोलते डीएसआईबी का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। तो एसबीआई और आईसीआईसीआई को पहले दिया जा चुका है, अब इसमें ऐड किया है एचडीएफसी को, तो टोटल 3 बैंक हो चुके हैं। तो आपको तीनों ही के नाम याद रखने, एसबीआई आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। यहां समझते हैं डीएसआईबी की फुल फॉर्म बनती है डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक स्टेटस टू बिग टू फेल। जितने भी बैंक्स होंगे, जितना बैंक को बोल सकते हैं कि आरबीआई कहता है कि टू बिग टू फेल है, उनको यहां पर एडिशनल कैपिटल मेंटेन करनी है, जैसे कि एसबीआई आईसीआईसीआई और तीसरी जिसको ऐड किया गया वो एचडीएफसी। एचडीएफसी की बात करें तो फाउंडेड हुआ था अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई और आदित्यपुरी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, विच बैंक हैज बीन इंक्लूडेड इन द आरबीआई इंक्लूडेड बाय द आरबीआई इन टू बिग टू फेल लेंडर्स लिस्ट। इस न्यूज की बात करो तो दोस्तों डेफिनेट मैं बोलूंगा 100 या 200% डेफिनेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इस न्यूज को बिल्कुल छाप लीजिएगा कि किस बैंक को टू बिग टू फेल का स्टेटस दिया गया है या लेंडर्स लिस्ट में शुमार किया गया है। दूसरा या बोल सकते हैं डीएसआईबी में कौन सा तीसरा बैंक नया जोड़ा गया है एसबीआई आईसीआईसीआई के अलावा, तो हमारा आंसर रहेगा एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, कर्नाटका बैंक हैज बैग द बेस्ट बैंक अवार्ड फॉर स्मॉल, ये बोल सकते हैं अमंग स्मॉल बैंक। पर्टिकुलर अवार्ड की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया, वित्तीय समावेशन के लिए अवार्ड दिया गया। वित्तीय समावेशन मतलब कि ऐसी जगह जहां पर बैंक की कनेक्टिविटी नहीं है वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया कर्नाटका बैंक को। अब यहां पर बात करते हैं डिटेल की, तो 13th IDRBT बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड 2016-17 में इन्हें बेस्ट बैंक का अवार्ड का दर्जा दिया गया है। कर्नाटका बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। फाउंडेशन ईयर की बात करें 1924, हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटका, एमडी एंड सीईओ श्री महाबलेश्वरम एमएस। दोस्तों यहां पर बात करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेट बोलूंगा कर्नाटका बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि मोदी जी का भी एक टारगेट चल रहा है, जिसके लिए पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक्स भी ओपन किए हैं दोस्तों, उस पर भी बिल्कुल वीडियो बना चुके हैं। तो आप उसको सेशंस को भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का पर्पज क्या है, एक्चुअल में बोल सकते हैं गवर्नमेंट का एक इकोनॉमी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव क्या है। पर्टिकुलर सिर्फ इतना है कि यूं कि जैसे स्थान जहां तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, ऐसे गांव देहात या ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है, और इसी के लिए कर्नाटका बैंक को बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो विच बैंक हैज बैग्ड द बेस्ट बैंक अवार्ड अमंग स्मॉल बैंक, द आंसर इज द कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे, राममूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ द तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है दोस्तों, तो यहां है तमिलनाडु बेस्ड ही। तो यहां पर बात करेंगे टीएमबी बैंक की, किसके एमडी एंड सीईओ कौन बने, तो रामा मूर्ति इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। यहां पर बात करेंगे तो इसके स्टैटिक फैक्ट क्लियर करेंगे। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करते हैं दोस्तों, फाउंडेड हुआ था 11th May 1921 को, हेडक्वार्टर ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, और अगेन यहां पर एक नया बैंक की बात हो रही है, तो टैगलाइन इंपॉर्टेंट बनती है बी ए स्टेप अहेड ऑफ लाइफ, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेट आपको टैगलाइन और हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के अलावा एज ए स्टैटिक पोर्शन में। बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन की बात होगी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, द आंसर इज रामा मूर्ति। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, इंडियन शूटर अंकुर मित्तल हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द डबल
ट्रैप इवेंट एट द आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर बात करते हैं तो दोस्तों इंडिया इसमें फिफ्थ पोजीशन पे रहा है आईएसएफ शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसमें अंकुर मित्तल ने सिल्वर मेडल जीता था। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, टोटल 3 मेडल जीते जिसमें से कि 2 सिल्वर और 201 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था। तो यहां पर आपको याद रखना है अंकुर मित्तल इंपॉर्टेंट बनेंगे, अंकुर मित्तल का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वेन्यू का रहा था मॉस्को रशिया, तो रशिया के स्टैटिक फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अभी अगेन फिर से हम रशिया के स्टैटिक फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाले। अभी रशिया के प्रेसिडेंट का नाम आया था, बढ़िया, यहां पर कैपिटल करेंसी के रूप में दोस्तों समझते हैं। रशिया की कैपिटल इज द मॉस्को, करेंसी इज द रूबल, प्रेसिडेंट इज द व्लादिमीर पुतिन, और दोस्तों पीएम की बात करते हैं दिमित्री मेदवेदेव। कहीं ना कहीं दोस्तों कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा कि हमें लर्न कैसे करना है। अगर आप सोचे कि 2 दिन के अंदर या बोले कि 20 दिन के अंदर करंट अफेयर पढ़ के 25 या 20 मार्क्स आ जाए तो बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, यार 20 और 25 मार्क्स आ सकते हैं, वो पार हो गया। आपको पार से भी ऊपर का काम करना है, आपको 40 में से मिनिमम 35 का टारगेट करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अदर सेक्शन जितने भी हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक ना एक स्टूडेंट वीक पोर्शन रहता है सब्जेक्ट का, उनको कवर करने के लिए आपको जीए पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें आप इजीली 35 मिनिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, करंट अफेयर्स को लर्न करने की स्ट्रेटजी, सेकंड थिंग करंट अफेयर्स से लिंकिंग करने की स्ट्रेटजी, और थर्ड थिंग यहां पर कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बात करें से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता, हु हैज वॉन अ सिल्वर मेडल इन द डबल ट्रैप इवेंट एट द आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप, द आंसर इज द अंकुर मित्तल। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 में दोस्तों बात करेंगे तो ये बोल सकते 2018 की टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। यहां पर बात करें इसके बाद सेकंड पर रही दोस्तों कैम्ब्रिज, और इंडिया की भी बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु बेस्ड है, उसकी रैंकिंग यहां पर क्या हो गई है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, सेकंड पर दोस्तों कैम्ब्रिज रही है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि बेंगलुरु बेस्ड की बात हो रही है, उसकी रैंकिंग पहले 201 से दोस्तों यहां पर 250 में था, अब लेकिन उनकी स्लैब चेंज हो गई है, वो 251 से 300 में कहीं भी हो सकता है। और एक चीज और देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट पहले लास्ट ईयर 2017 की बात करें 31 इंस्टीट्यूशन थे इस रैंकिंग में, बट अगर बात करते हैं अब रोज रह गए हैं आउट ऑफ 1000 बात हो रही है 30 इंस्टीट्यूशन रह गए हैं इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। तो थोड़ा नेगेटिव कहेंगे बट फिर भी एग्जाम के लिए हमें याद रखना है किसने टॉप किया है। तो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018, द आंसर इज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, लाई चिंग ते बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान, ताइवान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है लाई चिंग ते की। अब यहां पर बात करें ताइवान के स्टैटिक फैक्ट की, साथ में इनका रिप्लेसमेंट की कि किनको रिप्लेस किया, तो लिन चुआन को उन्होंने रिप्लेस किया है। ताइवान की कैपिटल इज दी ताइबी, करेंसी इज दी डॉलर दोस्तों, और प्रेसिडेंट इज दी ताई इंग वेन। आपके एग्जाम में के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, बट एज ए स्टैटिक बात करें, स्टैटिक तौर पर जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कैपिटल के रूप में, करेंसी के रूप में दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट बनता है। यहां तक न्यूज आपकी रिप्लेसमेंट तक लेके करंट अफेयर की, इसके बाद का जो पोर्शन आता है वो आपका स्टैटिक पार्ट होगा। तो एज ए स्टैटिक इन सभी चीजों को आपको लर्न करके चलना है। बात करते हैं रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान, द आंसर इज द लाई चिंग ते। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, मॉर्गन स्टैनली हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ। अभी हमने देखा था यूबीएस ने ग्रोथ इंडिया की डाउन करी थी, अब यहां पर बात हो रही है मॉर्गन स्टैनली इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट करिए कि 2017 में तो रहेगी 206.4% और 2018 में रहेगी 7.4%। दोनों तरीके से बात करते हैं, हमें न्यूज को समझना है कि मॉर्गन स्टैनली क्या है, तो एक एक चीजों को समझते हैं। मॉर्गन स्टैनली इज द न्यूयॉर्क बेस्ड दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, जिसका फाउंडेशन ईयर है 1935 और सीईओ इज द जेम्स पी गवर्नमेंट। बट आपको यहां पर एग्जाम में याद रखना है सिर्फ 2017 और 2018 ईयर को 6.4% इन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट करी है, और यहां पर बात करेंगे 7.4% मॉर्गन स्टैनली 2018 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, तो दोस्तों वही क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि भाई किस प्रकार से यहां पर इंटरेस्ट हमें बोल सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को याद रखना है, तो कितनी अकॉर्डिंग बात करेंगे 2017 और 2018 की, 2017 में 6.4%, 2018 की बात करते हैं 7.4%। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, 5 इंडियन अमेरिकन हैव बीन इंक्लूडेड इन द पॉलिटिको मैगजीन 2017 पॉलिको 50 लिस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिकन पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए दोस्तों भागीदारी के लिए 5 भारतीय मूल के नागरिकों को इंडिया, 5 इंडियन ओरिजिन अमेरिकन को बोल सकते हैं कि इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा पर्सन का नाम और कितने पर्सन है। यहां पर हेडलाइन से तो क्लियर हो रहा है टोटल 5 पर्सन की बात हो रही है, बट यहां देखते हैं उन पर्सन के नाम क्या है, तो निक्की हेले, सीमा वर्मा,
नील कत्याल, अपर्णा माथुर और नेओमी राव। आपके एग्जाम के लिए बोलूंगा ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम को बिल्कुल छाप लीजिएगा, एग्जाम में आपके नाम कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। बट हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन में कि कितने टोटल पर्सन है, क्योंकि टोटल पर्सन भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में नंबर ऑफ पर्सन भी पूछे जा सकते हैं। ये टोटल 5 पर्सन को दोस्तों इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, हाउ मेनी इंडियन पर्सन या इंडियन अमेरिकन हैव बीन इंक्लूडेड इन द पॉलिटिको मैगजीन 2017 पॉलिटिको 50 लिस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। द आंसर इज द टोटल 5 पर्सन, उनके नाम भी आपके आई होप बिल्कुल क्लियर होंगे। बात करें नेक्स्ट न्यूज की, बिल्कुल लास्ट न्यूज की दोस्तों बात की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर फॉर टूरिज्म इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दोस्तों पहली बार फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर बनी है परिणीति चोपड़ा। इनसे पहले मेल पर्सन की बात की जाएगी तो वो तो दोस्तों बिल्कुल अपॉइंट हुआ एज एम्बेसडर, बट यहां पर फर्स्ट वुमेन की बात हो रही तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ड लग गया है तो परिणीति चोपड़ा। बात करते हैं उससे पहले यहां पर कौन कौन अपॉइंट हो चुके हैं, तो दोस्तों हर्षा भोगले जो कि क्रिकेटर है, और यहां पर संजीव कपूर की बात की जाएगी, शेफ है, उनको भी एज एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया टाइटल दिया जाता है फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एडवोकेसी पैनल में एज एम्बेसडर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। यहां पर बात करें तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है दोस्तों, तो विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर फॉर टूरिज्म इन ऑस्ट्रेलिया। द आंसर इज द परिणीति चोपड़ा। आई होप आपके पर्टिकुलर न्यूज बिल्कुल क्लियर होंगी जितनी भी न्यूज रही। और इस सेशन की बात करें, सेशन को डिजाइन करने की बात करें, तो दोस्तों पर्पज इतना है कि जितने भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि लैक ऑफ टाइम की वजह से सेशन मिस कर देते हैं हमारे करंट अफेयर्स लाइव का, उस सेशन को देख के अपना सारा वीकली करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। आएंगे जल्दी दोस्तों, आपको एक जल्दी वीकली करंट अफेयर की वीडियोस मिलेंगी पैरेलल इसी वीक में, जिसमें कि हम जो भी करंट अफेयर और रहा है इस वीक का उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। और आपको जो भी क्वेरीज जितनी भी आपके इस पर्टिकुलर सेशन के रिगार्डिंग या अदर बैंकिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड है या इवन किसी भी टॉपिक से दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।